बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी और संघ मिलकर अब समरसता अभियान चलाने जा रहे हैं। कल संघ और बीजेपी की बैठक में इस पर चर्चा हुई। 2023 चुनाव के मिशन की तरफ संघ और बीजेपी एक साथ बढ़ेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगली तैयारी में जुटा जाएगा, लेकिन यूपी चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में संघ के क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पुते मौजूद रहे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा कि तेजी से मिशन की तरफ बढ़ेंगे। बैठक को लेकर कांग्रेस बोली है कि बीजेपी को हार का डर है, इसलिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो बीजेपी और संघ मिलकर समरसता अभियान चलाने जा रहे हैं। 2023 की तैयारी, यूपी चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि तेजी से मिशन की तरफ हम बढ़ेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगली तैयारी में पार्टी जुड़ेगी। फिलहाल बीजेपी और संघ मिलकर समरसता अभियान चलाने वाले हैं। इस पर और अधिक चर्चा हम करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी और संघ का समरसता अभियान, एक तरफ 2023 की तैयारी तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, कहा है कि बीजेपी को हार का डर है, कैसे देखते हैं? देखिए अवंतिका, ये बात सच है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होंगे तो बात 2023 की होगी, और संघ भी समझ रहा है स्थितियों को, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि लगातार सरकार है मध्य प्रदेश में तो बाकी चीजें भी जनता की नॉलेज में आती है। इसीलिए संघ और बीजेपी मिलकर अलग तरह के अभियान चलाने जा रही है और ये जल्द दिखाई देगा 10 मार्च के बाद, जब समरसता का अभियान, क्योंकि कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं बीजेपी संघ पर कि किसी वर्ग विशेष का विरोध करती है, ये सब चीजें, तो एक अलग तरह का मैसेज देने की तैयारी। उसके अलावा सरकार के कामों का किस तरह से क्रियान्वयन हुआ है, कितने काम सरकार कर पाई है, वो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को सीधे जोड़ते हैं, उस पर आगे कैसे बढ़ना है। कल बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी दीपक विस्तृति जी के साथ, जो कि क्षेत्रीय प्रचारक है, उनके साथ बी डी शर्मा, मुरलीधर राव और तमाम जो पदाधिकारी हैं, हितानंद जी या सुहास भगत जी, सभी बैठे हुए थे। उसमें इसी बात पर तय हुआ है, क्योंकि आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच रहे हैं उज्जैन में, और उज्जैन वही है मालवा जो संघ का गढ़ कहा जाता है, तो वहां भी इसी तरह की बातें होंगी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस भी सक्रिय है, तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस की सक्रियता से बीजेपी डरी हुई, लेकिन एक चीज जरूर है कि दोनों ही दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया मनोज जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो बीजेपी और संघ मिलकर समरसता अभियान चलाने वाले हैं। 2023 की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है।